सारवन। राम राम भाइयो, राजेश डबास दिल्ली तय। हुई तू जब से जवान है, चलने लगी तेरी पड़ोस वाली चाय की दुकान है। सारे मोहल्ले में सबसे ऊंचा तेरा मकान है, उसके सामने एक चाय की छोटी सी दुकान है। तेरी खूबसूरती की झलक को पाने को कितनी दूर दूर से लोग आते हैं, वो चाय के साथ मट्ठी बिस्किट फैन खाते हैं। तेरी खूबसूरती से दो पैसे ये गरीब लोग कमाते हैं। हुई तू जब से जवान है, चलने लगी तेरी पड़ोस वाली चाय की दुकान है। ऐसी ना सजा दे एक बार मुस्करा के घर का पता दे, ऐसी ना सजा दे एक बार मुस्करा के घर का पता दे। तेरे माँ बाप से अपने माँ बाप को मिलाऊंगा, तेरे घर सीधा रिश्ता लेकर आऊंगा। मैं घोड़ी पर आऊंगा, डोली में ले जाऊंगा, हर साल एक हनीमून मनाऊंगा। तेरे जैसी परी और खुद जैसा युवराज चाहूंगा। ऐसी ना सजा दे एक बार मुस्करा के घर का पता दे। यह मेरी बहुत फेवरेट है। तूने बूंदों में खुद को क्या भिगोया है, तुझे भीगता देख बादलों ने भी अपना आपा खोया है। तूने तो आज बादलों में भी खलबली सी मचाई है, बादलों ने भी तुझ पर बरसने की होड़ सी लगाई है। उन बूंदों ने भी क्या किस्मत पाई है जो सीधी तेरे जिस्म से टकराई है। आज तो बूंदे भी क्या क्या हथकंडे अपना रही हैं, बादलों हवाओं को ना चलने की रिश्वत दी जा रही है। तेरे ख्यालों में ऐसी खो जाती हूँ, तेरे ख्यालों में ऐसी खो जाती हूँ, चाय को निकाल देती हूँ, रोटी को जला देती हूँ, माँ के हाथों से मार खाती हूँ, जब जाकर होश में आती हूँ। सुनो ये पगले, आप ना मेरे शहर में ठंड आ गई है, दिन छोटे और रातें लंबी होंगी, तो इसका मतलब तू मेरे ख्वाबों में ज्यादा देर रहेगा। चलो एक चुटकुला है। एक हॉस्पिटल में डिलीवरी हो जाए, तो नर्स उस तो पूछा है, लेडीज थे अग तुमने क्या मांगा था, लड़का या लड़की? नोली मैंने तो कुछ ना मांगा, ना हूं थी तो लिया मांगा था। बस।